वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें भारत के जबरदस्त प्रदर्शन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्हें विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका पर अभी भी संदेह, यानी ये सबके लिए। नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ सांची त्यागी। भारत दुनिया में कैसा कर रहा है इस पर रिपोर्ट कार्ड बांटने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्या 21वीं सदी भारत की है ये हम कह सकते हैं? क्यों, चलिए जानते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए तो क्या सिर्फ बहुत सारी डील्स लेकर आए? नहीं, वो भारत से बहुत कुछ लेकर भी गए हैं। तेजी से ग्रो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। पहला ऑप्शन ये कि आप दूसरे को गिराकर उसके लिए गड्ढे खोदकर आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर खुद पर भरोसा करके खुद के पास मौजूद साधनों को लेकर कामयाब होना चाहते हैं। मेहनत दोनों में है, बस समय का खेल है। पहले ऑप्शन में आपको कम वक्त लगेगा, दूसरे में धीरे धीरे सफलता मिलेगी, पर मिलेगी। अब चलिए तुलना करते हैं चीन और भारत की। चीन ने पहले ऑप्शन को चुना। चीन ने दूसरे देशों को फंसाया, कमजोर देशों तक अपना जाल फैलाया, उन्हें कर्ज के जाल में जकड़ लिया और फिर थोप दिया अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI। ये चीन का वो आर्थिक गलियारा है जिसके जरिए वो दुनिया भर में कारोबार करना चाहता है। चीन ने अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को दिखाकर खूब पैसा लूटा, व्यापार भी किया, लेकिन अब उसी प्रोजेक्ट की नींव हिलती दिख रही है। बाकी देश इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ चीन को हो रहा है। इटली इसका सबसे ताजा उदाहरण है। वहीं से उलट दूसरे ऑप्शन को अपनाकर अपनी विदेश नीति के बल पर भारत दुनिया भर के देशों के साथ करीब आया। भारत ने अपनी क्षमता के बल पर, आत्मनिर्भरता के बल पर दुनिया को साधा, और आज दुनिया खुद भारत के साथ आर्थिक गलियारा बनाने की तैयारी कर रही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको लेकर पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत में गजब का उत्साह है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भारत से यूरोप तक व्यापार में कई गुना इजाफा होगा, और इसका फायदा चीन की तरह सिर्फ भारत को नहीं होगा, इसका फायदा मिडिल ईस्ट को होगा और इसके अलावा यूरोप में भी लोगों को होगा, देश को होगा। भारत के पक्ष से उसे ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में भारत की सबसे अच्छी साझेदारी है। इसमें कुछ दोस्त उसके ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी दोस्ती को स्थापित कर रहा है। अगर भारत के सबसे करीब देशों की बात करें तो उसमें सबसे करीब है फ्रांस, और फ्रांस के साथ दोस्ती का प्रमुख कारण हथियारों की खरीद है, लेकिन इसके अलावा बाकी सामानों की आवाजाही भी है, और अब इस प्रमुख मार्ग के जरिए सामानों का विस्तार होगा। यानी अब तक जिन व्यापारों में डील्स होती थी उससे आगे जाकर यूरोप तक भारत की डील्स हो सकेंगी, और ऐसे ही यूरोप से भारत तक डील्स भी बढ़ जाएंगी, व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाएगा और कई बाकी क्षेत्रों में व्यापार हो पाएगा। फ्रांस के अलावा बाकी देशों के साथ साथ भी भारत के ज्यादा व्यापारिक संबंध बनने से भारत की आर्थिकी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब आपको इस कॉरिडोर के बारे में बताते हैं। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत हो सकती है। हमने यहाँ सिर्फ एक देश का उदाहरण दिया, पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से दिनों की गिनती और हिसाब किताब में बड़ा अंतर आएगा, और कम समय में ज्यादा फायदा मतलब ज्यादा आर्थिकी। ये सिर्फ भारत के पक्ष से आंकलन है, लेकिन इसका भरपूर फायदा बाकी देशों को भी होगा, क्योंकि इससे समुद्र में निर्भरता घटेगी, चीन से दूरी होगी, यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। दुनिया के कई देश BRI को लेकर चिंतित थे। ये देश शुरू से ही चीन की इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, और पिछले दिनों भारत में G20 के दौरान एक घोषणा करके BRI का तोड़ निकाल लिया गया, और इसके बाद इटली का BRI को छोड़ना चीन के लिए और बुरी खबर ले आया। अब भारत, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जॉर्डन और इसराइल ने मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा से चीन को चौंका दिया है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के तहत एक रेल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों को जोड़ा जाएगा। इस तरह ये कई देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने का एक आसान मार्ग मुहैया करा पाएगा।
ये गलियारा दो भागों में बटा होगा, जिसमें पहला भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा होगा और दूसरा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी गलियारा होगा। इससे भरपूर फायदा भी होगा, भारत और अमेरिका और पास आ जाएंगे। ये दो देश अब तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार दोनों मिडिल ईस्ट में साझेदार बन गए हैं। भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा जो कि पाकिस्तान था, उसका भी तोड़ मिल गया है। भारत के ईरान के साथ संबंध सुधरे हैं, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान से यूरेशिया तक के रूस और ईरान कॉरिडोर की योजना प्रभावित होती जा रही है। हालांकि इसे अलग विदेश नीति के जरिए से सुलझाने की जरूरत है और यह भी एक बहुत करंट मुसीबत भी एक तरीके की लेकर आया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इस पर काम जारी है। अरब देशों के साथ ही भागीदारी भारत की बढ़ेगी। यूएई और सऊदी सरकार भी भारत के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। कई देशों को तो चीन के कर्ज जाल से मुक्ति मिलेगी। G20 में अफ्रीकी यूनियन के भागीदार बनने से चीन और रूस के अफ्रीकी देशों में बढ़ती दादागिरी को भी रोकने में सहायता मिलेगी। यानी एक तीर से कई निशाने ये कॉरिडोर साधने वाला है। इस गलियारे की मदद से भारत जहां अपने पुराने दोस्तों के साथ मित्रता को और गहरा कर रहा है, वहीं वो नए देशों के साथ संबंध बना रहा है। यानी हर स्थिति में भारत को फायदा ही फायदा होने वाला है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सदी भारत के लिए सबसे सुनहरी सदी साबित होने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।